Hello student, how are you? I hope you are doing well. Today we are going to start exercise 5.4. Point A, write the quotient. Questions दिए हुए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें हमें क्वेश्चंट राइट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 16 डिवाइड 8, तो 16 में से फर्स्ट टाइम 8 लेस किए, लेस करके 8 आया, 8 में से फिर हमने माइनस 8 किया, तो आंसर क्या गया 0, यानी कि 18 डिवाइड 8 इक्वल टू 2। हाउ मेनी टाइम्स 8, कितने टाइम्स आए हैं 8, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन पॉइंट करने हैं और थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन पॉइंट करने और यहाँ पर राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट, पॉइंट बी, यूज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन टू फाइंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 डिवाइड 9, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था 16 डिवाइड बाय 8, सेम एज इट इज़ 27 डिवाइड बाय 9, इसे हमें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन यानी कि पॉइंट ए वाले फॉर्म में हमें यहाँ पर आंसर सॉल्व करना है। ओके, पॉइंट बी का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, देखिए यूज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन टू फाइंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 27 डिवाइड बाई 9, 27 से फर्स्ट टाइम 9 लेस करेंगे तो लेस करके क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 18, 18 में से फिर 9 लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9, फिर 9 में से 9 फिर लेस करेंगे तो आंसर क्या आ गया 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 3। हमें इसे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में फाइंड करके क्वेश्चन फाइंड करना था हमें। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके, पॉइंट सी, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 18, 18 में कितने थ्री होते हैं, तो 18 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम आंसर्स, तो आंसर क्या आएगा 6। सेकेंड क्वेश्चन में, हाउ मेनी एट्स आर देयर इन 72, 72 में कितने एट्स आते हैं, 9। थर्ड, हाउ मेनी सेवन्स आर देयर इन 42, 42 में कितने बार 7 आते हैं, 6 टाइम। हाउ मेनी टाइम्स कैन 9 बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 36, आंसर क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 9, सब्सट्रैक्ट करेंगे 36 से 9, तो 9 कितने टाइम्स आएगा 4। फाइव, फिफ्थ क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम्स कैन 6 बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 30, 30 में से हम 6 कितने टाइम्स लेस करेंगे, तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, 5 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5, पॉइंट ए, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में इसे हमें डिवीजन फैक्ट में सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 84, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में है, इसे हमें डिवीजन फैक्ट में राइट करना है। तो ए में देखिए 84 डिवाइड 12, पहले 84 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आप क्वेश्चन क्या आएगा 7, फिर 84 डिवाइड 7, 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 12। ओके स्टूडेंट, सेम एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बी पॉइंट, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। अब डिवीजन फैक्ट है और उसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में हमें राइट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 डिवाइड 12 इक्वल टू 3, ये डिवीजन फैक्ट में है,
हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में इसे राइट करना है। तो 36 / 12 है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 36। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 12 × 3 = 36। ओके, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th आपको बुक में ही सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट सी, कंपेयर एंड पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन द सर्कल। यहाँ देखिए ये बीच में सर्कल दिए हुए हैं, इसमें आपको ये 3 साइन पुट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 2 × 4 और इधर साइड में 72 / 8। हम पहले से सॉल्व करेंगे, 2 × 4 = 8 और 72 / 8 आंसर क्या हो जाएगा, 9। इधर साइड में 8 है और इधर 9, तो कौन सा ग्रेटर देन, कौन सा ग्रेटर होगा, 9। तो साइन कौन सा होगा, इधर लेस देन का। ओके, 8 स्मॉलेस्ट है और 9 ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट, इस तरह इसलिए साइन कौन सा होगा, ये वाला लेस देन का। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके और साइन पुट करने हैं इस सर्कल में, ये बुक में ही करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, पॉइंट डी, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड इफ यू आर एबल टू कलर ए होल रो और कॉलम ऑफ आंसर गिव योरसेल्फ ए स्माइली फेस। ओके, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आंसर इससे टैली करने हैं और उस बॉक्स को कलर करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 / 8, जैसे इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 8। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 है, इस बॉक्स को आपको कलर करने हैं। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करके आपको बॉक्स को कलर करने हैं। अगर आप के रॉ या कॉलम कोई भी सारे कलर हो जाते हैं तो आप एक स्माइली फेस बना सकते हैं और यहाँ पर आंसर आपको राइट करने। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6.A, फाइंड द क्वोशेंट। ये टेबल्स बने हुए हैं, इसमें इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिविडेंट, डिवीजर और हमें कौन सा क्या फाइंड करना है, क्वोशेंट। तो 32 / 8 = 32 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्वोशेंट क्या आ जाएगा हमारा, 4। ओके, सेम एज इट इज़ ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फाइंड द डिवीज़र। इसमें आपको डिवीज़र फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड क्या दिया, 48। डिवीज़र हमें फाइंड करने हैं और क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, 6। ओके, तो 48 को हम किस डिजिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 6 आएगा। तो देखिए 8 से, 48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 6 आएगा। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, 6 × 8 = 48। ओके, सेम एज इट इज़ ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक में सॉल्व करने। नेक्स्ट पॉइंट सी, फाइंड द डिविडेंड। अब इसमें हमें डिविडेंड फाइंड करने हैं। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिवीज़र इक्वल टू डिविडेंट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वोशेंट कितने दिए हुए हैं, 6 और डिवीज़र 5 और डिविडेंट हमें फाइंड करने हैं। तो क्वोशेंट मल्टीप्लाई, यानी क्वोशेंट में 6 और डिवीज़र 5, 6 × 5 = 30। तो डिविडेंट हमारा क्या फाइंड हो गया, 30। ओके स्टूडेंट, सेम एज इट इज़ ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं। ओके।